डीप की चॉइस फिलिंग के रिलेटेड बहुत ज़्यादा डाउट्स आ रहे थे कि सेव करने पे हमारा कैंसिल हो जा रहा है या फिर कुछ ऐसी चीज़ें हो रही है, और कैसे चॉइस फिलिंग एक्चुअल में करनी है राजस्थान इंजीनियरिंग एडमिशन प्रोसेस डीप की काउंसलिंग के लिए। तो सबसे पहले हम डीप की ऑफिशियल वेबसाइट CEGDEEP2022.com के ऊपर में जाते हैं, और इस वेबसाइट पे जैसे ही आप जाओगे तो सबसे पहला पेज जो आपको देखने को मिलेगा वो कुछ इस तरीके का जो है आपको देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे आप कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन फॉर रीप 2022 क्लिक करोगे, उसके बाद जो आपका नेक्स्ट पेज खुल के आएगा इस पे यहाँ पे आपको अगर आपने फॉर्म वगैरह फिल कर दिया नहीं किया तो रजिस्टर फॉर रीप 2022 क्लिक करके आप चीज़ें कर सकते हैं। मैंने फिल कर दिया तो मैं चॉइस फिलिंग को अपडेट करने पे क्लिक करता हूँ और यहाँ पे फॉर्म नंबर पासवर्ड डाल के साइन इन करता हूँ। मैंने एक बार पहले भी साइन इन किया इसलिए मेरे से OTP नहीं मांगा जा रहा, मैं डायरेक्ट लॉग इन हो गया यहाँ पे, और यहाँ पे मैंने जो है एक चॉइस फिल कर रखा था MBM में IT वो भी SFS, क्योंकि मैं आउटसाइड स्टेट का हूँ। मैंने इसको रिमूव कर दिया और मैं जाता हूँ कॉलेज मित्र की ऑफिशियल वेबसाइट पे। कॉलेज मित्र की वेबसाइट पे जाने के बाद यहाँ पे जैसे मैं क्लिक करता हूँ collegemitr.xyz, सीधे आप गूगल पे भी कॉलेज मित्र सर्च करोगे तो आपका पहला वेबसाइट collegemitr.xyz दिख जाएगा, जो कि हमारा ऑफिशियल वेबसाइट है। वहाँ पे जाने के बाद, इस वेबसाइट पे पहुँचने के बाद, आप सबसे पहले प्रीमियम पोर्टल के ऊपर जाओगे अगर आपने हमारा प्रीमियम ले रखा है तो। यहाँ पे जाने के बाद आपने अगर प्रीमियम ले रखा है तो आपको एक यूज़र आईडी और पासवर्ड दी गई होगी जिसको डाल के आप यहाँ पे लॉगिन करोगे प्रीमियम पोर्टल के ऊपर, तो आपको इस तरीके का कुछ देखने को मिल जाएगा। अगर आप यहाँ तक आ चुके हैं तो आप थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे और जो मैंने कल एक नया फीचर यहाँ पे ऐड किया वो कॉल बैक फॉर्म, यहाँ पे अगर आप हमसे कॉल बैक चाहते हैं तो सीधे आप अपना फ़ोन नंबर, अपना क्वेरी, डेट, टाइम आप यहाँ पे एंटर करोगे, सबमिट करोगे, सेम टाइम पे थोड़ा सा पहले या थोड़ा सा लेट आपको एक कॉल जाएगा और आपसे आपके क्वेरी के रिलेटेड आप के डाउट सॉल्व करे जाएंगे। ठीक है, ये चीज़ हो गई। मैं बात कर रहा हूँ चॉइस फिलिंग की, तो यहाँ पे आप अपना रजिस्टर्ड फ़ोन नंबर जो आपने हमारे फॉर्म में डाला था वो आप यहाँ पे एंटर करेंगे, और उस नंबर को, उस फ़ोन नंबर को एंटर करने के बाद यहाँ पे आप सबमिट का बटन टैप करेंगे, आपको दिख जाएगा आपकी चॉइस फिलिंग। यहाँ पे आप टैप करोगे तो आपको एक PDF यहाँ पे ओपन होते हुए दिख जाएगा, जिस PDF में आपकी पूरी की पूरी चॉइस फिलिंग यहाँ पे आपको देखने को मिल रही होगी, इसके अनुसार आप अपनी चॉइसेस भर सकते हो। तो मैं थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करके इन चीज़ों का एनालाइज कर लेता हूँ कि क्या कैसे चॉइस फिलिंग दी गई है। मैं देखता हूँ कि MBM के अंदर CSE, EC, IT वगैरह जो गैस वाली है वो चीज़ें पहले दी गई है, उसके बाद SFS दी गई है, तो इन चीज़ों को मैं एज इट इज़ अगर भरता हूँ तो शायद से कुछ बेटर हमें देखने को मिलता है। एक्चुअल मैं अदर स्टेट का कैंडिडेट हूँ तो मुझे गैस वाली ब्रांचेज यहाँ पे नहीं दिखेगी, मुझे सिर्फ SFS वाली ब्रांचेज यहाँ पे देखने को मिलेगी। सबसे पहले मैं MBM सेलेक्ट करता हूँ, MBM में IT, SFS मैंने पहले पे डाला, सेकेंड पे मैं AI एंड डेटा साइंस डालूंगा SFS, थर्ड पे मैं इसी डालूंगा इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कंप्यूटर बेसिकली। उसके बाद जो है मैं दोबारा चॉइस फिलिंग देखता हूँ, यहाँ पे CTA उदयपुर के अंदर CSE और AI डेटा साइंस उसके बाद दिया गया है, तो मैं यहाँ पे CTAE उदयपुर जाता हूँ, कॉलेज ऑफ टेक्नोलॉजी एंड इंजीनियरिंग के ऊपर मैं जाता हूँ। उसके बाद मैं यहाँ पे सबसे पहले CSE डालता हूँ, उसके बाद मैं यहाँ पे AI एंड DS को सेलेक्ट करके ऐड चॉइस के ऊपर मैं क्लिक करता हूँ। उसके बाद मैं फिर से देखता हूँ चॉइस फिलिंग, तो यहाँ पे MBM में इलेक्ट्रिकल माइनिंग उसके बाद दी गई है। माइनिंग एक्चुअल मैंने इसलिए दी है क्योंकि लोग चाहते हैं कि यहाँ पे माइनिंग मुझे मिल जाए, 100% प्लेसमेंट होती है, अच्छी चीज़ है, तो यहाँ पे आप दे सकते हो। बिल्कुल मैं ये नहीं कह रहा कि एज इट इज़ इस चीज़ को कॉपी कर दो, मैंने जो लिखा है वही सही है, नहीं, आपकी प्रेफरेंस भी इसमें होती है कि हाँ मुझे जो है माइनिंग नहीं चाहिए बिल्कुल, तो माइनिंग हटा दो। नीचे प्राइवेट कॉलेजेस भी हैं, मुझे प्राइवेट कॉलेज नहीं चाहिए तो प्राइवेट मत एंटर करो, मुझे MBM में CSE नहीं चाहिए, मैं CSE लेना ही नहीं चाहता, तो CSE को आप मत डालो, वो आप पे टोटली डिपेंड करता है, आप इस चीज़ को हटा सकते हैं। ठीक है, तो मैंने ये चीज़ डाली। मैं एक आइडियल चॉइस फिलिंग आपको देना चाह रहा हूँ कि ये जो चीज़ है वो आइडियल है, ऐसे आप अगर फिल करते हो आपका ये है कि हाँ मुझे कोई अच्छा चीज़ मिले, कुछ अच्छे कॉलेज में मिले, तो आप इस चीज़ को फिल कर सकते हो बिल्कुल। ठीक है, 8 तारीख लास्ट डेट है, 8 सितंबर तक आप चॉइस फिलिंग को फिल कर सकते हो, 5 तारीख को आपकी फाइनल मेरिट लिस्ट आने वाली है 6 तारीख को। ठीक है, इतनी चीज़ें फिल करने के बाद मैं जो है यहाँ पे मैं भर रहा हूँ RTU कोटा का, तो मैंने RTU में CSE और RTU में IT मैंने यहाँ पे भर दिया। उसके बाद मैं थोड़ा सा अगर नीचे आता हूँ तो मुझे SKIT दिखता है, SKIT थोड़ा सा पॉपुलर कॉलेज है प्राइवेट के अंदर, अगर आप प्राइवेट नहीं चाहते हो तो बिल्कुल SKIT को लीव कर सकते हो, उसके बाद के जो कॉलेजेस हैं, GECs हैं कुछ, उनको आप
भर सकते हो। लेकिन टू बी ऑनेस्ट जीसीज उतनी अच्छे नहीं है, गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज अजमेर हो, बीकानेर हो, कोई भी कॉलेज है उतना बढ़िया नहीं है। उससे बढ़िया आप कोई प्राइवेट ले लो अगर आपको अच्छी ब्रांच वहाँ पे मिल जा रही है तो। मैं रिकमेंड करूँगा राजस्थान में अगर आप लेना चाहते हो, राजस्थान ही लेना चाहते हो तो ठीक है। उसके बाद SKIT में मैंने CSE डाल दिया, SKIT में मैंने IT ब्रांच भी यहाँ पे डाल दिया। उसके बाद मैं आगे बढ़ता हूँ, SKIT CSE मैंने सिर्फ लिखा, IT भी आप एडअप कर सकते हो। फिर मैं आता हूँ JECRC जो एक कॉलेज है, आपका प्राइवेट ही कॉलेज है JECRC भी, क्योंकि इसके बाद के जो कॉलेजेस हैं JECs वगैरह उतने अच्छे नहीं है, इसलिए मैंने JECs को लास्ट में कर दिया है और आपके प्राइवेट थोड़े से ऊपर रखे हैं, जिससे कि आप इनको अगर चाह रहे हो एक आइडियल चीज़ तो आप इनको फिल कर सकते हो। बिल्कुल ठीक है, तो मैं यहाँ पे JECRC को यहाँ पे फिल करूँगा। JECRC उसमें मैं सबसे पहले ऑब्वियसली CSE SFS को डालूँगा, उसके बाद मैं IT को डालूँगा ऑब्वियसली ठीक है, और IT के बाद मैं यहाँ पे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस डेटा साइंस को डालना चाहूँगा ठीक है। तो मैंने JECRC भी यहाँ पे फिल कर दिया है। उसके बाद पूर्णिमा कॉलेज आता है, पूर्णिमा कॉलेज भी जो है ठीक ठाक माना जाता है प्राइवेट के अंदर, उसके बाद आर्या वगैरह है जो भी है। तो आप अगर प्राइवेट में चाहते हो इनके अंदर तो खैर डायरेक्ट एडमिशन भी आपका हो जा सकता था, लेकिन आप अगर इस तरीके से भी एडमिशन लेना चाहते हो तो ये प्रोसीजर भी कोई ख़राब नहीं है रीप के थ्रू ठीक है। तो पूर्णिमा के अंदर मैंने यहाँ पे CSE डाल दिया, उसके बाद मैं पूर्णिमा का एक और कैंपस है उसके अंदर भी मैं यहाँ पे CSE ब्रांच डाल रहा होगा, यहाँ पे भी मैंने CSE SFS करके डाल दिया ठीक है। इसके बाद जो चीज़ें आ जाती है वो GECs वगैरह है। ऑब्वियसली मैंने टोटल 46 चॉइसेस आपको दिए हैं, जिनमें गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेजेस में सिर्फ और सिर्फ मैंने CSE आपको बताई है, और ऑब्वियसली CSE बताने का सिर्फ एक कारण है, वही कि वहाँ पे अगर आप जा रहे हो, पहली बात तो मैं रिकमेंड करूँगा कि वहाँ ना जाओ आप, अगर आप जा रहे हो तो आप CSE ही सिर्फ लो, बाकी ब्रांचेस लोगे फिर दिक्कत हो जाएगी। तभी लो जब आपका एक ही हो कि हाँ मुझे मैकेनिकल करनी है, मुझे सिविल करनी है और मुझे कुछ और करनी है, तभी आप उधर जा सकते हो ठीक है। तो JECE बीकानेर CSE, JECE भरतपुर है, JECE परमार है, करौली है, जो भी चीज़ें हैं वो मैंने यहाँ पर लिख दी है ठीक है, ये सारे आपके चॉइस फिलिंग होंगे। अब एक चीज़ जो यहाँ पे इम्पॉर्टेंट है वो ये है कि यहाँ पे आप चॉइसेस को अप डाउन भी कर पाओगे कि हाँ मैं चाहता था RTO CSE को ऊपर रखना, RTO IIT मैंने ऊपर कर दिया, मैं चाहता था कि RTO का EC जो है ऊपर रहे SKIT से तो मैंने इसको ऊपर कर दिया, मैं नीचे कर दिया, ये चीज़ें भी आप कर पाओगे ईजिली, आपको समझ में आ रहा होगा। मैं चाहता हूँ कि इसको डिलीट कर देते हैं, मैं डिलीट के बटन पे क्लिक करूँगा, बीच से वो गायब हो जाएगा वो चीज़ ठीक है। तो वो सब चीज़ आप सेव के ऊपर क्लिक करोगे, आप सीधे जो है आपकी चॉइसेस सेव हो जाएगी, आप यहाँ पे पहुँच जाओगे। मैंने प्रिंट एप्लीकेशन फॉर्म के ऊपर में मैं यहाँ पे अगर टैप करता हूँ तो मुझे फॉर्म नंबर और पासवर्ड यहाँ पे साइन इन करते हैं और OTP डालने के लिए कहा जाता है। जैसे मैं यहाँ पे OTP एंटर करूँगा तो दोबारा से जो है चीज़ें वहीं पे क्लिक हो जाती है। मैं प्रिंट एप्लीकेशन फॉर्म के ऊपर मैं दोबारा से क्लिक करता हूँ तो मुझे जो है इस बार कुछ अलग चीज़ देखने को मिल जाती है। मैं प्रिंट एप्लीकेशन फॉर्म के ऊपर मैं यहाँ पे टैप करता हूँ तो मुझे फिर से वही चीज़, फॉर्म नंबर पासवर्ड डालने के बाद मुझे यहाँ पे OTP डालने के लिए कहा जाता है। मैं यहाँ पे OTP जब डालता हूँ, ये चीज़ आपके साथ कई बार हो सकती है तो ध्यान रखें कि जब तक आप चॉइसेस को लॉक नहीं करोगे तब तक आपकी फॉर्म प्रिंट नहीं होगी। और मैं रिकमेंड करूँगा कि चॉइसेस को 8 तारीख से पहले लॉक ना करें, अपनी मेरिट लिस्ट आ जाने दें, उसके बाद चॉइसेस को लॉक करें। ऑब्वियसली ये हमारी चॉइस फिलिंग हो गई जो कि प्रीमियम बच्चों के लिए जो है हम अलग अलग देने वाले हैं, उनके प्रेफरेंस के हिसाब से देने वाले हैं। कल शाम को जितने भी प्रीमियम लोग थे उनमें से 50-60% लोगों को कॉल जा चुके हैं, आज उन सभी को कॉल जाएंगे और उनसे उनके प्रेफरेंस पूछे जाएंगे।